निकल जाएगी अपना। ये कंपनी का बॉक्स आप देख सकते हैं, इसके ऊपर रजिस्टर भी किया हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, ये वाले वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट के बॉक्स है वो कैसे प्रिंट होते हैं, कितने क्वांटिटी में आपको करना पड़ेगा, ये आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन आपको क्या करना है। उसके पहले आपको जो ब्रांड नेम है आपको उसको रजिस्टर कैसे करना है, ये पूरी आपको प्रोसेस बता। जैसे आप देख सकते हैं हमारे कंपनी का पूरे बॉक्स था, इसमें 50 से 60 हज़ार बॉक्स है। आप देख सकते हैं पूरे पैकिंग इकट्ठे करके है, जिसमें 3 वैट से लेकर 20 वैट तक सब बॉक्स आपको मिलेंगे। तो आपको एक एक बॉक्स आपको दिखाते हैं हर वैटेज के, और उसमें क्या क्वांटिटी प्रिंट करनी होती है, उसमें आपको ट्रेडमार्क भी दिखाते हैं, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन साइन कैसा होता है। तो ये है पूरे बॉक्सेस हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप जैसे ये है 9 वाट चार्जिंग वाला बॉक्स आप देख सकते हैं, जिसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। इसमें मटेरियल जो लगा है वो 320 GSM का लगा है, ताकि जो आपका जो बॉक्स यानी लाइट आता है इमरजेंसी लाइट, वो काफ़ी हीवी रहता है, इसलिए इसे हीवी बनाना पड़ता है। जैसे फिर जो सबसे ज़्यादा बेचने वाला है वो है 9 वाट का, आप देख सकते हैं 9 वाट का बॉक्स आप कितना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसी तरह से आपको बॉक्स आपको प्रिंट करना है, और सब सेपरेट सेपरेट बॉक्स आपको प्रिंट करना है, क्योंकि जैसे भी आप दुकान में शॉप में आप अपना लाइट दोगे तो उनको तुरंत पता होना चाहिए कि ये 7 वाट का लाइट है, ये 20 वाट का लाइट है, 9 वाट का लाइट है, और ये इन्वर्टर बल्ब है। तो ये ऐसे दिखना चाहिए, अगर उनको तकलीफ़ होना चाहिए, अगर आप अपने कस्टमर को तकलीफ नहीं दोगे तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो बेचते जाएगा। अगर आप उनको तकलीफ देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है एक बार लेंगे और दूसरे बार बोलेंगे हमें नहीं चाहिए, वो मना कर देंगे। इसलिए आपको जो अपने पैकेजिंग है ये सबसे मेन आपको अच्छा रखना है। आप देख सकते हैं जो इसके कलर कॉम्बिनेशन आप कितने पैरल लग रहे हैं, ताकि आपको दूर से ऐसे पता चल जाए कि अपना ये कंपनी का बॉक्स आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर रजिस्टर भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं देखते हैं इसकी कॉस्ट आती है, कम से कम 8 हज़ार के आसपास कॉस्ट आती है रजिस्टर करने के लिए। आपको ऐसा नाम चूज़ करना है कि जो नाम किसी का भी ना हो, जैसे हमने अभी कैली नाम चूज़ किया, ये इंडिया में कोई भी कैली नाम से नाम माल बेच नहीं सकता, क्योंकि हमें अभी रजिस्टर मिल गया है। तो अगर कोई ये वाला नाम से अगर माल बेचता है तो हम उसे कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट में आप जाके उसको FIR फाइल कर सकते हैं कि हमारे नाम से पर माल बेच रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, तो आप उससे FIR कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आप अपने कंपनी के बॉक्स प्रिंट कर सकते हैं। जितने आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप माल यानी बॉक्स प्रिंट करके उतने प्राइस कम होती है। जैसे ये हमें अभी पड़ा है जो 9 वाट का पड़ा है, हमें दो रुपये के आसपास हमें पड़ा है GST लगा के। आप देख सकते हैं जितने ज़्यादा आप क्वांटिटी यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा ये जो प्राइस है कम होते जाते। इसमें आप जैसे SBS पेपर भी आता है, वो महंगा पड़ता है, आप उसमें नहीं करिए। आप ग्रे बैग करके पेपर आता है, जैसे ग्रे बैग पेपर है, आप उसमें प्रिंट करिए, ताकि अच्छा दिख सके, आपके बजट में भी आएगा और आप प्रोडक्ट भी बेचना चालू कर दोगे। तो जैसे हम आपको दिखाते, जैसे ये अभी ये हो गया, ये 3 वाट का हो गया, आप दिख से 3 वाट का भी बल्ब, जैसे हर वाटेज के बॉक्स आपको प्रिंट करना है। आपको देखना है इसमें जो मैटर है वो क्या डालना है। जैसे हमने अभी डाला है यहाँ, जैसे आप देख सकते हैं 9 वाट के ऊपर की वैटेज कितना है, उसका रेटेड वोल्टेज कितना है, नेट क्वांटिटी कितना है, लुमेन कितना है, मार्केटेड कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, इस प्राइस क्या है, ये सब आपको डालना पड़ता है। जैसे हमारे ये ACDC का बॉक्स है, आप देख सकते हैं कितना पैरल इसकी कलर कॉम्बिनेशन दी है, 4 अप टू 4 और बैकअप। तो ये है बॉक्स से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए होंगी तो हम आपको बताएंगे। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।